आजम भाई, भाई भाई, सीनियर एडवोकेट मीर भाई, डॉक्टर सलीम। मैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलूँगा क्योंकि कुछ शब्दों का वापर में यूज में उसकी मीनिंग का अलग मायने होगा। तो इसके लिए मैं आपको पता होगा कि ऑशविट्ज़ एग्जीबिशन में, ऑशविट्ज़ एक सबसे बड़ा एक्सट्रीमिशन कैंप था यहूदियों के लिए और बाकी के लिए हिटलर के टाइम पे। इसकी स्थापना 1940 में जर्मनी में हुई। अब करीब करीब 11 लाख लोग मार गए वहां पे गैस चैम्बर के थ्रू, और उसमें यहूदी लोग और बाकी अन्य लोग भी मारे गए वहां पे। और उसमें और एग्जीबिशन के नीचे एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा हुआ है और मैं दोहराना चाहता हूं। Remember, it didn't start with gas chambers. It started with politicians dividing the people with us and them versus them. It started with hate speech, and when people stopped caring, became desensitized, and then turned a blind eye, it became a slippery slope to genocide. हमारे आदर मायने तो बता ही दिया गुजरात का क्या हुआ है। और वही माहौल कंटिन्यूसली पूरे देश पर बारीकी से और सिस्टमैटिकली, इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कम्युनलिज्म, पूरे देश में बनाया गया है। हम कभी कभी सोचते थे कि शायद महाराष्ट्र में और मुंबई में नहीं होगा, लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं, इसके लिए सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। चुपी से हमारा सबका नुकसान हो सकता है। कि जो 29 जनवरी का जो राइट विंग का आक्रोश रैली हुई मुंबई में, आप सब जानते हैं कि किस तरह के स्लोगन्स दिए गए वहां पे, लव जिहाद के नाम पे, इंटरफेथ मैरिजेस के नाम पे, और बाकी जो अन्य बातें की जो खतरनाक है। हम यही बोलते हैं कि हम कब तक चुप रहेंगे। वी मस्ट ब्रेक आवर साइलेंस। इतना याद रखो कि अगर आप चुप ही रहेंगे तो जो ऑशविट्ज़ में हुआ और जर्मनी में हुआ, उसे यहाँ पे होने के लिए देर लगेगी नहीं। और जो अत्याचार भी हो रहे हैं वेरी सिस्टमैटिकली, जब शुरुआत हुई थी इस गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त नारा। उसके बाद ऑपोजिशन मुक्त नारा हो गया, उसके बाद मुस्लिम मुक्त, ये जो कैंपेन चल रहा है अभी मुस्लिम मुक्त का जो कैंपेन देश भर चल रहा है सतत रूप से, मैं मानता हूं कि इसमें हमारी भी भागीदारी है क्योंकि हम चुप बैठे हैं। और जितने हम चुप बैठेंगे उतना नुकसान, ये जो कैंसर फैला गया है और दीमक की तरह हमारे पूरे शरीर में, पूरे देश के शरीर में घुस रहा है, अगर हम उनको नहीं रोकेंगे तो कुछ बचा नहीं रहेगा। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने का तो छोड़ो, दूसरे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एक तो वो बात मैं खास करके उसमें भाई के डॉक्टर सलीम भाई तो बोलेंगे, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं और उसके बाद थोड़े मेरे सुझाव है। क्रिस्टी समुदाय के ऊपर यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का एक हेल्पलाइन है और उसके अनुवाद 221 में देश पर 505 अटैक्स हुए क्रिश्चियंस के ऊपर, और उसके बाद 222 में 597 अटैक्स हुए। मैं मानता हूं कि जो मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो सतत रूप से अटैक्स हो रहे, इसमें कंपैरिजन में नंबर्स में नहीं होता है, क्योंकि वहां पे काफी डीप मेलास है मुस्लिम समुदाय के ऊपर। 12 स्टेट एंटी कन्वर्शन लॉस इंस्टॉल किए गए हैं, और अभी आपको पता है कि ये जो मुहिम चल रही है, ये मुहिम में भी स्टेट गवर्नमेंट का एक शुरुआत की मुहिम है कि किस तरह से एंटी कन्वर्शन लॉ महाराष्ट्र में भी लाए। हालांकि ये जो लॉज है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट या फिर स्पष्ट रूप से करता है, ये दुविधा इस लॉज में आते हैं कि इसका मिसयूज इतना होता है लोगों के विरुद्ध कि इवन इफ तुम्हारा पर्सनल चॉइस रहेगा आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। फिलहाल एक पिटीशन याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे हमारे किसी कम्युनिटी के तरफ से आर्चबिशप ऑफ बैंगलोर पीटर मचारो, नेशनल सॉलिडारिटी फोरम और इवेंजेलिकल फेलोशिप ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट को डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू एट्रॉसिटीज अगेंस्ट क्रिश्चियंस। मैं ये मानता हूं कि ये माहौल में और उसके बाद आप हमें और आपको पता है कि किस तरह से लिंचिंग्स तो होते हैं मुस्लिम समुदाय के ऊपर, पर किस तरह से इकोनॉमिक बॉयकॉट जो लाचार करने का जो शुरुआत की है और ओपनली और खुलेआम हो रहा है। जुडिशरी भी बोल रहे हैं कि हम कितने बार डायरेक्टिव देंगे और उसका अमल बजावनी नहीं होती है, तो हम किसके पास जाएंगे, कैसे प्रोटेस्ट करें? प्रोटेस्ट करेंगे तो प्रोटेस्ट के ऊपर भी पुलिस वाले दबाव डालते हैं। तो मैं मानता हूं कि और खुशी की बात है कि मैं शुक्रगुजार हूं कि वाइट बैग और इनोसेंट नेटवर्क और उनके ग्रुप को कि आज उन्होंने ये एडवोकेट आज़मी के ऊपर मेमोरियल के ऊपर ये प्रोग्राम गया कि बार बार मैं मानता हूं ये बात दोहरानी पड़ेगी। जैसे आज़म भाई ने कहा, हालांकि काफी लोग रिपीट समझते हैं, लेकिन बार बार हमारे जीवन में वो दोहराना पड़ेगा कि वी नीड टू फेस दिस स्क्वायरली, कैच द बुली बाय द हॉर्न्स। और ये मानता हूं कि अकेले हो या कलेक्टिव हो, हमारे पास भी उतनी ताकत है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम साथ में नहीं आते। प्रॉब्लम वही है, जैसे मैं बार बार दोहराता हूं कि जब मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार होता है तो सिर्फ मुस्लिम भाई और बहन रास्ते पे आते हैं, या क्रिस्ती समुदाय के ऊपर अत्याचार होता है तो खाली क्रिस्ती समुदाय के लोग, या तो दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार होता है बहनों के ऊपर तो सिर्फ दलित की ग्रुप्स आते हैं। मैं मानता हूं कि जब हम यूनाइटेड सब कोई भी अन्याय हो, मार्टिन लूथर किंग का एक अच्छा वाक्य है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मैं ये मानता हूं कि जब हम सब कम्युनिटीज, कोई भी कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार होता है या इंडिविजुअल पे अत्याचार, जब हम बाकी कम्युनिटीज उसके विरुद्ध आवाज करते हैं तो ये जो हेट कैंपेन जो है, ये जो हेट कैंपेन वाले जो है, इसको हम कॉवर्ड्स बोलते हैं क्योंकि ये मॉब के हिसाब से जाते हैं, अकेले कभी लड़ते नहीं है, उनके पास उतनी ताकत नहीं अकेले आके आपको कॉर्नर करें, वो मॉब के हिसाब से उनका काम चलता है। और स्टेट पेट्रोनेज भी है, जैसे भाई ने कहा कि वो कुछ भी करते हैं तो कुछ भी उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है। 29 जनवरी का याचिका भी सुप्रीम कोर्ट से आया है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उन्होंने और दो प्रोग्राम बॉम्बे में, एक तो 5 तारीख का प्रोग्राम तय किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अंदर वो 5 का प्रोग्राम नहीं हुआ, पर हमें पता है कि 9 तारीख को बारामती में होने वाला है और एंड ऑफ दी फेब्रवरी मंथ नवी मुंबई में होने वाला है। भाइयों मैं कहना चाहता हूँ कि बहनों की इस पर चुप्पी मत रहना, आवाज उठाने की जरूरत है। वी हैव टू पुट प्रेशर ऑन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द स्टेट। ये आप अलाउ करोगे तो ये षड्यंत्र है पोलराइज करने का, टू गार्नर वोट्स बोलते हैं ना। एमनेस्टी अपना ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था, मैं दोहराना चाहता हूँ, वेरी पावरफुल स्टेटमेंट कि वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस by right-wing organization is a tactic to encourage and exploit communal violence and polarize in furtherance of their political ends. बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, और पूरी स्टेट मशीनरी पॉलिटिशियंस के हाथ में कंट्रोल है। उनको रिफॉर्म करने की सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन उनको उनकी अमलबाजानी नहीं करना है क्योंकि दे स्टिल वांट टू कंट्रोल द पुलिस। तो मेरे थोड़े बहुत सुझाव है, एक तो ब्रेक योर साइलेंस, चुप्पी आपको तोड़नी पड़ेगी। जो साइकिल है हेट और इनटॉलरेंस का, अगर हम सब कम्युनिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन वी बिलोंग टू अगर साथ में आते हैं एक आवाज से, तो मैं मानता हूं कि ये हेट मॉन्गर्स जो हैं कभी सक्सेस नहीं होंगे। ये मेरा एक पहला सुझाव है। यूनिटी, हम अपने आप अपने ग्रुप में अपने रिलीजियस ग्रुप्स में आप बटे हुए हैं और ये बंटवारा में ऑपोजिशन जो ये एलिमेंट्स है वो हमारे एडवांटेज ले रहे हैं। उदाहरण मैं बोलना चाहता हूं कि CAA NRC के प्रदर्शन में कैंपेन्स में ज्यादातर लोग जो रास्ते पे आए हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, बाकी कोई रास्ते पे नहीं आया था परसेंटेज के हिसाब से। ये नोटिस गवर्नमेंट ने की, ये आवाज कौन कर रहा है। अगर कलेक्टिव करते, मैं मानता हूं कि अगस्त क्रांति मैदान में जो 3-4 लाख का जो जलसा हुआ उसमें बाकी सब कम्युनिटीज के लोग खास करके स्टूडेंट्स बहुत ही पैमाने पे उस प्रोग्राम में थे, लेकिन बाकी इतर जगह पे सब शाहीन बाग हो या अपना नागपाड़ा का शाहीन बाग हो, वहां पे कौन बना था प्रदर्शन में, ये नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। अगर वहां सब कम्युनिटीज के लोग होते हैं तो उनको हमें डिवाइड करने के लिए चांस नहीं मिलते। तो ये सोच लीजिए कि हमें किस तरह से इंस्पायर ऑफ आवर डिफरेंसेस किस तरह से हम साथ में आ सकते हैं। तीसरी मैंने दोहरा ही है कि हमें बार बार इनजस्टिस के विरुद्ध, इनजस्टिस किसके ऊपर भी उनसे भी कम्युनिटी के ऊपर हो, हमें रास्ते पे आना है। जब तक आप नहीं करेंगे तो हमें हमारे जो बॉन्ड जो बोलते हैं हम नहीं, उसका बदलाव नहीं होगा। किस तरह से हम हमारे लोगों के बीच में ट्रस्ट बना सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जरिया है कम्युनिकेट करने का। तो मैं मानता हूं कि ये जो जरिया, जो बात करने का जरिया, मैं मानता हूं कि बस्ती में जाना चाहिए। किस तरह से हम लोगों को एक बीच में एक बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं, अगर हम सब साथ में दोस्ती करेंगे, दोस्ती रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटीज। मैं मानता हूं वहां कभी भी ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे। एक भिवंडी के टाइम सुरेश खोपड़े जी ने प्रदर्शन किया कि व्हेन ऑल कम्युनिटीज वर यूनाइटेड, वो एक जगह था भिवंडी जहां पे 1992-93 के बाद कोई राइट्स उधर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इंटायर कम्युनिटीज वर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनाइटेड कि हम ये बात, क्योंकि सबको नुकसान होता है वायलेंस में और खास करके इनोसेंट लोगों का नुकसान होता है, उनकी जाने जाती है। तो इसके लिए रेगुलर इंटरैक्शन, भले फेस्टिवल्स हो, जैसे बॉम्बे कैथलिक सभा ने अभी लास्ट 1 साल से शुरुआत की है, इंटररिलीजियस डायलॉग्स, लोगों को मिलना, फेस्टिवल के ऊपर इंटरैक्शन करना। मैं मानता हूं इंटरैक्शन जितना बढ़ेगा उतनी हमारी बॉन्ड और ट्रस्ट बढ़ेगी। और फाइनली मैं बोलना चाहता हूं कि बी प्रोएक्टिव। हम तो रिएक्ट ही करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है, उनका प्रोग्राम है और हम उसके ऊपर हम क्या बोलते हैं पेट्रोल डालते हैं ऑपोजिशन लेके। हमारा क्या प्रोग्राम है? आई थिंक वी नीड टू वर्क आउट आवर प्रोग्राम, प्रोएक्टिव प्रोग्राम ग्राउंड पे। और फाइनली हमारी जो क्षमता होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज पे, जो सेक्युलर लोग होते हैं उनको किस तरह से साथ में लाना है, इसके विरुद्ध पब्लिकली स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि सब अपने वोट्स के बारे में सोचते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। वो कभी भी एंटेगनाइज करना नहीं चाहते हैं वोट्स के बारे में, लेकिन हमें उनको बताना पड़ेगा कि अगर आप स्टैंड नहीं लेते हो, यू डोंट स्टैंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर द सेक्युलरिज्म ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू। दोस्तों, वाई साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने न जाने क्यों ऐसा किया कि बहुत ही सीरियस किस्म के टॉपिक्स मेरे को पैनलिस्ट लोगों को दे दिए। और BBC की फिल्म पे जो है वो मुझको कुछ कहने के लिए कहा, फिर भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझको पठान फिल्म पे कुछ कहने के लिए नहीं कहा, वरना प्रोग्राम तय करने वाला तो कुछ भी कर सकता है, बोलने वाले और सुनने वालों पे गुजरती है। बहरहाल मैं इनोसेंट नेटवर्क और उसके जो संस्थापक है भाई साहब उनका इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये जो शाहिद आज़मी मेमोरियल लेक्चर का सिलसिला है इसको जारी रखा हुआ और हर साल वो इस पर मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं और उनसे जो है वो उस वक्त के जो बर्निंग इश्यूज होते हैं उस पर गुफ्तगू करवाते हैं, उस पर जो है वो डिस्कशन होता है। शाहिद आज़मी को मैं उस वक्त से जानता हूं जब वो स्कूल में थे और मैं कॉलेज में था और मुझको ये कहने में कोई संदेह नहीं है, मतलब मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये शाहिद मेमोरियल लेक्चर हो रहा है उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने शाहिद जैसा नेक और निडर आदमी बहुत कम देखा है। बहुत ही खुश मिजाज और जिंदा दिल आदमी, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं तो दोस्तों में पता चलता है इंसान की जिंदा दिली का। शाहिद ने हंसते हंसते जिंदगी गुजारी और लड़ते लड़ते जिंदगी, और इसी तरह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। मतलब उसके जिंदगी में जितने भी फेजेस आए और उससे मैं जब भी मिला तो मैंने उसको हंसता हुआ ही देखा और मैंने उसको लड़ता हुआ ही देखा। दोस्तों, इस दुनिया की जिंदगी में क्वांटिटी की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं। आप कितना लंबा ये अहम नहीं है, बल्कि क्वालिटी, आप कितना अच्छा जिए, कितनी अच्छी जिंदगी आपने गुजारी, ये जो है वो महत्व की बात है। टीपू सुल्तान की एक बात बहुत मशहूर है, जब भी उन पर कुछ लिखा जाता है और बोला जाता है तो उसको कोट किया जाता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और शाहिद भाई के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, बहुत कम उम्र में वो हमको छोड़ के चला है और हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला अता फरमाए। दोस्तों, आज जो हमारा जो विषय मुझको दिया गया है बीबीसी की फिल्म, तो बीबीसी में भी जो है वो ब्रिटिश है, इसका पता हमको इस फिल्म के बाद चला जब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई ये कॉलोनियल माइंडसेट है। उसके पहले किसी को नहीं मानता कि बी से ब्रिटिश होता है। ये जो बीबीसी है ये खाली ब्रिटेन के लिए नहीं है। बीबीसी वर्ल्ड जो है वो दुनिया के 40 लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होता है और हर हफ्ते 36 करोड़ लोग जो है वो बीबीसी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि बीबीसी को आप जो है वो जी आज तक की तरह कोई मीडिया हाउस नहीं समझे। बीबीसी वो मीडिया हाउस है जिसको वहां का प्राइम मिनिस्टर भी इम्प्रेस नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में जब उससे सवाल किया जाता है तो सवाल करने वाले से वो डिसएग्री तो कर सकता है, लेकिन बीबीसी को रोक नहीं सकता कि आप इस फिल्म को जो है वो बैन कर दो, इसको बंद कर दो, इसको रोक दो। तो इसमें दोनों का क्रेडिट है, बीबीसी का भी क्रेडिट है और वहां जो सिस्टम है उसका भी क्रेडिट है। तो दोस्तों बीबीसी वाले बहुत सारी खबरें बनाते हैं, बीच बीच में डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं। आज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र हो तो उसकी अनगिनत डॉक्यूमेंट्री में से किसी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, बल्कि आपको हैरत होगी कि ये बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, जो टॉपिक मुझको दिया गया है, ये भी दो हिस्सों में, पार्ट वन पार्ट टू एक हफ्ते के गैप से रिलीज हुई। पार्ट टू के बारे में कोई बात नहीं करता, और अगर सिर्फ पार्ट टू बनता तो शायद उसको इंडिया में बैन भी नहीं किया जाता। लेकिन उसका जो पहला हिस्सा है, गुजरात दंगे वाला, वो असल में हमारी सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है। गुजरात दंगे में क्या हुआ ये तो हमारे दोस्त आजम साहब ने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि गुजरात का दंगा भारत का पहला दंगा नहीं था, या भारत का पहला बड़ा दंगा नहीं। गुजरात से पहले जब हम लोग कॉलेज में थे तो उस वक्त आसाम में नेली मैसाकर हुआ था, नेली का कत्लेआम हुआ। और उसके बाद दिल्ली का कत्लेआम हुआ, और इन दोनों जगहों पर हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे। और उसके बाद उस सीक्वेंस में गुजरात का दंगा है, गुजरात का फसाद आया। लेकिन इन तीनों में जो फर्क है उसको हमको समझना पड़ेगा, और यही जो फर्क है, इसी वजह से बीबीसी ने तीसरे के ऊपर फिल्म बनाई। और पहले और दूसरे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना जरूरी नहीं समझा, और इसी फर्क की वजह से उस फिल्म को इंडिया में बैन किया गया। अगर नेली पे या दिल्ली के फसाद पे फिल्म बनती तो उसका उसी तरह से प्रमोशन होता जिस तरह से के कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन हुआ है, कि प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक हर कोई जो है वो विवेक अग्निहोत्री के आगे पीछे घूम रहा है। तो दोस्तों फर्क ये है कि जितना जैसा मैंने समझाया, हो सकता है मैंने गलत समझा, नेली में जो फसाद हुआ, नेली में जो मैसाकर हुआ, वो फसाद नहीं था। उसमें जो रूलिंग पार्टी थी उसको बदनाम करके हटाने के लिए अपोजिशन ने उस दंगे को किया, उस फसाद को किया था, उस मैसाकर को किया। दिल्ली में जो फसाद हुआ उसमें रूलिंग पार्टी इन्वॉल्व थी, ये फर्क है। लेकिन वो जो फसाद हुआ उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने उसको जस्टिफाई किया था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, बहुत ही निंदनीय बात है। लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने जो किया था उसके बारे में कहा जाता है कि वो बदला लेने के लिए किया गया था, इंतकाम लेने के लिए किया गया था। उससे कोई पॉलिटिकल फायदा उठाना, उसके जरिए से इलेक्शन जीतना, ये जो है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। अब जो ये तीसरा मामला आया गुजरात का, इसमें ये हुआ कि ये रूलिंग पार्टी ने किया, और रूलिंग पार्टी ने इलेक्शन जीतने के लिए किया। शंकर सिंह वाघेला गुजरात के बहुत बड़े लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, संघ में थे, बीजेपी में थे। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में अभी हाल में कहा था कि केशुभाई पटेल की सरकार इतनी ज्यादा अनपॉपुलर हो गई थी, लोकल बॉडीज इलेक्शन में बीजेपी की इतनी खराब हालत हो गई थी कि लोगों को यकीन था कि गुजरात में जो है वो बीजेपी हार जाएगी। और उस वक्त उस डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को ला करके चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और शंकर सिंह वाघेला ये कहते हैं कि उस वक्त ये बात गुजरात में हर कोई मतलब एक चल गई थी कि कुछ बड़ा होगा और उसके बाद इलेक्शन का सिनारियो बदल जाएगा। वो बड़ा अभी आजम शाह ये कह रहे थे कि सवाल ये है कि क्या अगर वो हादसा नहीं होता गोधरा का तो क्या गुजरात में फसाद नहीं होते? तो वो बड़ा तो होना ही था, इसलिए कि ये बात उनकी समझ में आ गई थी कि अब ये लास्ट रिसॉर्ट है, इसके बगैर हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। जैसे 2019 में ये बात समझ में आ गई कि आप सबका साथ सबका विकास अच्छे दिन से नहीं जीत सकते, तो सर्जिकल स्ट्राइक करो, घर में घुस के मारा और इलेक्शन जीत। तो इसी तरह का एक खेल जो है वो किया गया। सरकार की सरपरस्ती में, सरकार के संरक्षण में ये हुआ। इस बात को बताने के लिए हमको 20 साल बाद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की जरूरत नहीं, ये सब हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है। तहलका की रिपोर्ट इस बात को समझाने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों एक बात यह है कि इन 20 सालों में बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने इस दाग को अपने दामन से धोने की कोशिश की और उसका जो पीक था वो जकिया जाफरी केस में जजमेंट था, जिसमें क्लीन चिट दी गई। ये कहा गया कि साहब इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लोगों के जज्बात भड़ा गया, उसके बाद ये हो गया। और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ, जिसका जिक्र अभी वीर देसाई साहब ने किया कि एक नया फिनोमिना शुरू किया गया कि सिर्फ जो केस करता है, यानी ज़किया जाफरी को मत डराओ, बल्कि जो उसको सपोर्ट करता है या करती है। हमारे अपने बंबई शहर की तीस्ता सेतलवाद, जिसने बिल्किस बानो को सपोर्ट किया, जिसने ज़किया जाफरी को सपोर्ट किया और न जाने किसको किसको सपोर्ट किया, उसको डराओ। आपको याद होगा अमित शाह का एएनआई के सामने लंबा चौड़ा इंटरव्यू और फिर उनको जिस तरह से गिरफ्तार करने के लिए राणे के बंगले से जो है वो पुलिस वाले दीवार फांक के गए, जैसे किसी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए जाया जाता है। और फिर उसको जिस तरह से मीडिया में फैलाया गया, देखिए तीसरा सेतलवाद की गिरफ्तारी बहुत गलत है, लेकिन उसको ग्लोरीफाई करके फैलाना वो हमारे लिए था, हम जैसे लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना चाहिए, नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमको मैसेज दिया जा रहा था कि देखो अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी ना हो और तुमने किसी की हिमायत की जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, वीर देसाई साहब जैसे लोग जो कि इसके लिए कोर्ट में लड़ते हैं, डॉल्फिन डिसोजा साहब जैसे लोग जो कि इसके लिए सड़क पर उतर के लड़ते हैं, उनको डराने के लिए कि अब जो है वो आप लोग खामोशी से अपने घर में बैठ जाओ। तो दोस्तों ये जो है वो लेवल आया कि आपने तीस्ता को गिरफ्तार करके एक मैसेज दिया और ये कहा कि ये इनको बदनाम करने की कोशिश थी, बल्कि उनकी जान को खतरा था। हमारे प्रधानमंत्री की जान को बहुत खतरा लग जाता। अभी कुछ लोग उनसे मिलना चाहते थे ये जन आक्रोश रैली के बारे में, तो पुलिस ने कहा नहीं वो 10 तारीख को आने वाले, अभी हम बंदोबस्त में हैं, इसलिए कि वो जान बचाना बहुत जरूरी है। तो अब साहब तीसरा तो आ गई, यूयू ललित साहब ने एक अच्छा फैसला किया, उनको भेज दिया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जो 20 साल की मेहनत थी ना, आप ये देखें कि इस पर पानी कैसे फेरते हैं, और ये पानी फेरने वाला कोई और नहीं है, ये पानी फेरने वाले हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब है। जब इनको लगा कि हम जो है वो गुजरात में 150 प्लस सीट नहीं जीत सकते, तो इन्होंने कह दिया कि हमने ऐसा सबक सिखाया कि 20 साल तक गुजरात में शांति स्थापित हो गई, अमन कायम हो गया। दोस्तों ये सेंटेंस सीधा सीधा ये कहता है कि हमने सबक सिखाया, यानी इसमें ओन किया जा रहा है गुजरात के दंगों को देश का गृह मंत्री ओन कर रहा है। पहले ये लोग ये कहते थे कि तुमने ऐसा किया, अब ये कहा जा रहा है कि हमने ऐसा किया। वो भूल गए कि उन्होंने थोड़े दिन पहले एएनआई के सामने क्या इंटरव्यू दिया। वो भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। बस एक जुमले में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया कि साहब ये सब तो हमारा किया जा रहा था। तो दोस्तों अब आप ये सोचिए कि ये जो बीबीसी की फिल्म है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो एक साजिश है और 2014 के लिए इसके बारे में बात करूंगा। अगर ये फिल्म 20 साल पहले आई होती ना तो बहुत सारी फिल्मों के बीच में दब जाती, लेकिन ये अमित शाह के इस बयान के बाद आई कि हमने सबक सिखाया। अब आप बोलते हो कि बीबीसी की फिल्म गलत कह रही है, तो भाई आप भी तो यही कह रहे हैं। तो आप तो इनके पास ये बोलने के लिए नहीं है कि बीबीसी की फिल्म गलत है, इसलिए कि बीबीसी की फिल्में और अमित शाह की जो क्लेम है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब या तो आप ये कहें कि अमित शाह ने गलत कहा था लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, वोट लेने के लिए, और या तो यह मान लें कि बीबीसी में कोई गलत नहीं है इसलिए उस फिल्म पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो बीबीसी की फिल्म ने कोई नई बात तो नहीं बताई, लेकिन इस सरकार का जो दोगलापन है उसको फिर एक बार खोल के हमारे सामने रख दिया। दोस्तों ये जो फिल्म पर अगर पाबंदी नहीं लगती, मैंने फिल्म नहीं देखी इसलिए कि मुझको मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझको पता चला कुछ नया नहीं, तो मेरे जैसे लोग बहुत होते हैं और मेरी जनरेशन के कुछ लोग देखते भी, लेकिन नई जनरेशन इस फिल्म को नहीं देखती। तो पुरानी बातें हैं हमारे पैदा होने से पहले की, या जिस वक्त हम स्कूल में पहली क्लास में जाते थे, केजी में जाते थे, जमाना गुजर गया, आप क्यों देखें। लेकिन इस सरकार ने इस फिल्म के ऊपर पाबंदी लगा के उनके अंदर उत्सुकता पैदा की कि यार इसमें कोई बात जरूर है, वरना सरकार को क्या पड़ी है, दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर एक मामूली फिल्म को क्यों रोक रहा है। तो ये फिल्म मामूली नहीं है, ये गैर मामूली फिल्म है, इसको देखना चाहिए। और दोस्तों ये जो बात अभी मिहिर साहब कह रहे थे कि लोगों ने चोरी छुपे इस फिल्म को नहीं देखा, ये है बड़ी बात। लोगों ने ऐलान करके देखा कि हम इस फिल्म को देखेंगे, और वो देखने वाले जो है वो लोग नहीं है कि जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में कब्र में पैर लटका के बैठे हुए हैं, बल्कि वो नौजवान लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जेएनयू में जिस वक्त ऐलान हुआ कि ये फिल्म दिखाई जाएगी तो बिजली बंद कर दी, कि बिजली बंद करने वालों को ये नहीं मालूम कि मोबाइल पे फिल्म देखने के लिए जो है वो बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, खाली आपका मोबाइल चार्ज होना काफी है। असल में ये इनका दिमाग डिस्चार्ज हो गया, इसकी वजह से इस तरह के फैसले कर रहे हैं जो इनकी अपने खिलाफ जा रहे हैं। दोस्तों तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि ये जो लोगों ने इस हौसले का सबूत दिया कि हम डरेंगे नहीं, जिस चीज को हम सही समझते हैं उसको हम करेंगे, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हम फेस करेंगे। तो शाहिद आज़मी जो था ना दोस्तों, वो इस सोच का आदमी था। उसने जेल को देखा, उसने पुलिस को देखा, उसने अदालत को देखा, इसके बावजूद उसने ये फैसला किया कि मैं लड़ूंगा। तो ये जो एक हौसला होता है जो शाहिद आज़मी में था, जब मैं आज के नौजवानों में देखता हूं, जब मैं अपने बाद वाली पीढ़ी और उसके बाद वाली पीढ़ी के दिलों में देखता हूं, तो दोस्तों मुझको भी हौसला मिलता है, उम्मीद मिलती है कि ठीक है, अंधेरा जो है वो कितना भी गहरा सही, लेकिन उजाले के दिए जो है वो आज भी जल रहे हैं और अंधेरे को भगाने के लिए काफी है। शाहिद आज़मी इसी तरह जीते रहे और शहादत का जाम भी के चले गए। अल्लामा इकबाल ने कहा है, आईने जमा मरता हर गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं दुबाई। तो दोस्तों जो लोग आपके लिए लड़ते हैं ना, वो मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। आज शाहिद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे दरमियान है। आज हम उसको याद कर, आज हम उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ने का इंस्पिरेशन। शाहिद आज़मी ने हमको अपनी जान कुर्बान करके दिया। तो दोस्तों ये जो सच्चाई के लिए जीना और सच्चाई के लिए मरना, जब तक कोई कौम ये सबक नहीं सीखती, उस वक्त तक वो दुनिया से जुर्म और अत्याचार को खत्म नहीं करती। और जिस दिन वो सीख जाती है, उस दिन इस दुनिया में इंसाफ कायम हो जाता है, जस्टिस कायम हो जाता है। ये जो लोग कहते हैं, मैंने भी पहले भी जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, कि सब बीबीसी ने एक साजिश के तहत ऐसा ऐसा किया, मैं इसको नहीं मानता, इसलिए कि इन लोगों को बीबीसी की जरूरत नहीं है। ये लोग आक्रोश यात्रा करने के लिए इनके पास बहुत सारा संसाधन है। गुजरात कर्नाटक में इलेक्शन होने वाला है, तो वहां पर आप देखेंगे हिजाब का मसला है, हलाल का मसला है, एन नंबर ऑफ इश्यूज। तो इस बात में कोई दम नहीं है कि बीबीसी इनकी साजिश का हिस्सा था, लेकिन उसने इनका चेहरा, इनका भयानक चेहरा फिर एक बार दिखा दिया। तो दोस्तों ये जो है वो, इससे एक सबक ये मिलता है, यानी बीबीसी की फिल्म आने के बाद भी और दंगे के बाद भी, कि जो लोग शॉर्ट टर्म फायदे के लिए दंगा फसाद करते हैं, वो अपना लॉन्ग टर्म नुकसान करते हैं। मोदी जी ने एक इलेक्शन जीतने के लिए दंगा किया, अगर वो इलेक्शन हार जाते, हो सकता है 5 साल बाद दोबारा बीजेपी जीत जाती। कई स्टेट्स में ऐसा हुआ कि बीजेपी एक इलेक्शन हारती, अगली बार जीत जाती है। लेकिन दंगा करके इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने जो कलंक अपने माथे पे लगाया, वो 20 साल तक जो है वो हटा नहीं, और जब हटा तो उनके गृह मंत्री ने जाके दोबारा लगाया कि हमने सबक सिखाया, और वो भी इलेक्शन के फायदे के लिए लगाया। और अब ये मेरे ख्याल में कयामत तक जो है वो ये हटने वाला नहीं है, इसलिए कि उनका राइट हैंड अब इसको ओन कर चुका है। तो इससे सबक यही है कि नजदीक के फायदे के लिए दूर का नुकसान नहीं करना चाहिए, इसलिए कि दूर का नुकसान हमेशा का नुकसान होता है। दोस्तों आखिरी बात की तरफ मैं जाता हूं, कि ये जो शेर उस पे लिखा हुआ है ना आपके दावतनामे पे, और जिसको पढ़ के वाहिद भाई ने सुनाया, एक मिसरा लिखा हुआ है कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। तो ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है ना, यह आस्तीन का लहू है जो सारी दुनिया को पुकार पुकार कर कह रहा है कि जो लोग टेलीविजन के कैमरे के सामने बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं उनका असली चेहरा क्या है। दोस्तों ये जो सिचुएशन अमित शाह ने पैदा की इस पर मुझको एक और शेर याद आ रहा है। वो शेर ये है कि ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो अब ये जो इन्होंने एक लम्हे की सजा की है सबक सिखाने वाली, तो वो जो है वो सदियों तक इसकी सजा पाएंगे। और जिस तरह से ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी है उस तरह से आगे और भी लोग इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और लोगों को इनका असली चेहरा दिखाते रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और फिर एक बार ऑर्गेनाइजर से और वो तमाम लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अपने दोस्त शाहिद आज़मी को श्रद्धांजलि पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।